देश भर में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी के एक युवा नेता ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता और चंद्रशेखर फाउंडेशन गुजरात प्रदेश युवा अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष गुजरात धीरज सिंह का कहना है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी के साथ आए हैं, वैसे ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी 300 या 350 को भी पार कर जाएगी। आइए देखते हैं धीरज सिंह ने क्या कहा। मैं धीरज सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, मैं आज दिल्ली आया हुआ हूं। सबसे पहले मैं सभी चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज जो चैनल के माध्यम से मेरे को दिल्ली में बोलने का मौका मिल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और दिन प्रतिदिन सत्ता में परिवर्तन होते जा रहे हैं, कई दल एक दूसरे से टूट कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 2024 में बीजेपी के लिए और आसानी होने जा रही है? देखिए, विपक्षी दल जो है, तमाम संगठन अभी बिहार में जो है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में संगठन जो वहाँ इकट्ठा हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ है तब से इन लोगों को अपनी दुकान जो है बचाने के फिराक में पड़े हुए हैं। विपक्षी जो है रह कहाँ गया है? छोटे छोटे जो अनेक दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, कोई भी दल हो, इसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2024 का चुनाव हो रहा है, ये 2019 के अपेक्षा बहुत ही शानदार परिणाम आएगा, ये हमारा और हमारे संगठन का कहना है। लगातार आप अलग अलग संगठन से जुड़ते रहे हैं, क्या और लग रहा है, कहाँ और चीज परिवर्तन होने वाली है और क्या बीजेपी के लिए और अच्छे होनी चाहिए? देखिए, बीजेपी 2014 से ही फॉर्म में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों की पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है, इसलिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और तमाम युवा, सारे प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि 2024 का जो चुनाव है, हम लोग इतना मेहनत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि 300 के पार सीट आने की हमारी पूरी उम्मीद है। जैसे आप यूथ से जुड़े हुए हैं लगातार, आप यूथ को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे और जो जनभागीदारी जा रही है आपकी यूथ की सरकार में, कैसे यूथ को आप जागरूक कर रहे हैं और क्या यूथ की भूमिका रहने जा रही है इस पूरे चुनाव? देखिए, यूथ की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही युवाओं, युवा तौर पे काम किया हुआ है, इसलिए बहुत सारे प्रदेश के युवा जो है लगातार निरंतर जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो 2019 का परिणाम था, उससे बहुत ही अच्छा आने वाला है। गुजरात से आप बिलोंग करते हैं, गुजरात से आते हैं, गुजरात में क्या नजर आ रहा है? गुजरात में सीटों का इजाफा होगा या गुजरात में टक्कर आपको कहीं भी नजर आती है? देखिए, गुजरात में तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहा हुआ रिजल्ट, लेकिन अन्य दल, अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ साइड हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2024 का चुनाव माननीय योगी जी के निर्देशानुसार पे वहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तो पूरा 80 सीट के चक्कर में पड़े हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है 80 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के झोले में हम लोग दे सके, यही हमारी सोच है।